गाइस हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। हमेशा स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइजर को इंक्लूड करने के लिए मैं बोलती हूँ। चाहे आपकी स्किन टाइप ऑयली हो, कम्बिनेशन हो या फिर ड्राई हो, मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से ऑयली स्किन और भी ऑयली हो जाती है, जिससे पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए मैं आज एक मॉइस्चराइजर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाएगा, उसके साथ साथ मॉइस्चराइज करेगा लेकिन ऑयलीनेस भी नहीं छोड़ेगा। सो ये प्रोडक्ट है एक हाइलुरोनिक एसिड जेल। इस मॉइस्चराइजर को आप दिन में अपने डे टाइम स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं एंड अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए मैजिकली वर्क करेगा, क्योंकि ऑयली स्किन पीपल के लिए मॉइस्चराइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखना हर स्किन टाइप के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस जेल से आप इजिली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। स्टिकीनेस नहीं है इसके अंदर और ये नॉन ऑयली एक फिनिश देता है, दैट्स वाई आप इसे डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक्ने और पिंपल को इरिटेट नहीं करता, दैट्स व्हाई सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। पैकेजिंग की अगर बात करें तो पैकेजिंग एकदम सोबर पैकेजिंग में है। ये कार्डबोर्ड केस है जिसके अंदर है प्रोडक्ट, और पूरा व्हाइट एंड ब्लू पैकेजिंग है। और हाइलुरोनिक एसिड, जैसे कि आप सबको पता है कि ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। इनफैक्ट ये रिंकल्स को भी ठीक करता है, एंटी एजिंग के लिए अच्छा है। ये जेल फॉर्म में आता है, दैट्स व्हाई ये स्किन में इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। स्किन में पेनिट्रेट करने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही जल्द हमें नजर आता है। तो इस प्रोडक्ट को लड़का लड़की कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस प्रोडक्ट को किसी भी अंधेरे जगह पर या फिर ड्राई जगह पर हमेशा रखना है। ऐसा नहीं कि धूप में आप इसे छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। एंड इसका जो ट्यूब है, ये ट्यूब पैकेजिंग में आता है, दैट्स व्हाई इट्स क्वाइट ट्रैवल फ्रेंडली। और ये जो कैप है, ये हमेशा अच्छे से टाइटली क्लोज करके आप रख दीजिए इस्तेमाल के बाद, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ही सेंसिटिव स्किन के लिए है। तो अगर इस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स चला जाता है, देन आपकी स्किन को शायद ये इरिटेट कर सके। सो डेफिनेटली आपको ये जो कैप है इसे हमेशा सिक्योर करके क्लोज करके रखना है। ई मेगा मार्ट की वेबसाइट से आप डायरेक्टली इसे परचेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे amazon.in से भी परचेस कर सकते हैं। ये है हाइलुरोनिक एसिड जेल। नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली है, नॉन कमेडोजेनिक एक्वस जेल है ये। इसकी जेल कंसिस्टेंसी की वजह से ये इजीली स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक्वा है, ग्लिसरीन है, सोडियम हाइलुरोनेट है, सोडियम मिथाइल पैराबिन, सोडियम प्रोपाइल पैराबिन एंड कार्बोमर है। इसकी जो प्राइस है वो है 250 रुपीज फॉर 30 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। जेल कंसिस्टेंस में है, इसीलिए ऑयली स्किन के लिए ये इतना अच्छा है। और इसमें कोई एडेड कलर या फिर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, दैट्स व्हाई ये सेंसिटिव स्किन को इरिटेट भी नहीं करता। आई विल सजेस्ट कि आप एक बार इसे परचेज कीजिए एंड इस्तेमाल कीजिए। आई एम श्योर आप 2 या 3 दिनों में ही डिफरेंस नजर आएगा। और ऑयली या फिर सेंसिटिव स्किन के लिए तो मॉइस्चराइजर ढूंढ पाना भी बहुत ही मुश्किल है। सो ये वाला जो मॉइस्चराइजर है, ये डेफिनेटली आपकी स्किन को सूट भी करेगा, अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा, नॉन स्टिकी फीलिंग देगा और नॉन ऑयली फिनिश देगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। अगर ये वाला प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है पहले भी और आपका कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस है, उसे जरूर शेयर कीजिए नीचे कमेंट करके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय।